अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में कम बजट का टू बेडरूम अपार्टमेंट देख रहे हो और वो भी ऐसी बड़ी बड़ी बालकनी के साथ और इतने प्यारे व्यू के साथ और एक फ्लोर पे बस चार अपार्टमेंट के साथ, तो आज की इस अपार्टमेंट को बिल्कुल मिस मत करना। लोकेशन की बात करें तो सेक्टर 52 के मेट्रो स्टेशन से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 10 में जहां मेट्रो भी प्रपोज्ड है, ऑनरोड हमारी सोसाइटी अमात्रा होम से जाती है। सोसाइटी हमारी कम्प्लीटली रेडी टू मूव इन हो जाता है। सोसाइटी 5 एकड़ में स्प्रेड है जिसमें 10 टावर हो जाता है, साथ में आपको स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, आपको सारी एमिनिटीज मिल जाती है। और सोसाइटी के पोडियम पे आप जैसे ही आएंगे सामने हमारे अपार्टमेंट का टावर आ जाता है और इस टावर के अपर फ्लोर पे हमारा अपार्टमेंट आ जाता है। ना हमारे फ्लोर प्लानिंग की बात करें तो 1, 2, 2 लिफ्ट मिल जाता है, 2 अपार्टमेंट इस साइड आ जाते हैं, 2 अपार्टमेंट इस साइड, टोटल 4 अपार्टमेंट, 2 लिफ्ट मिल जाता है पर फ्लोर। और आज का हमारा अपार्टमेंट उस साइड आ जाता है। तो हेगम से और अपार्टमेंट एरिया 965 स्क्वायर फीट, एंट्रेंस पे मेटल गेट मिल जाता है और इसके बाद एक वुडन गेट मिल जाता है। और दोनों गेट से आप जैसे एंटर करेंगे सबसे पहले हमारे अपार्टमेंट का प्यारा सा लिविंग एरिया जाता है। लेट्स चेक दिस आउट। तो गेट से एंट्री करते ही फटाफट हमारा लेआउट देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा 18x11 का लिविंग एरिया जाता है और वहाँ पर हमारा फर्स्ट बेडरूम, वहाँ पे हमारा सेकंड बेडरूम, वहाँ पे किचन जाता है। सो ये हमारे अपार्टमेंट का लेआउट हो गया। और हमारे लिविंग एरिया में वेंटिलेशन सैलेट के लिए यहाँ पे एक बालकनी मिल जाता है। अपार्टमेंट में आपको बड़ी बड़ी बालकनी मिल जाती है। हमारी फर्स्ट बालकनी जाती है 5 फीट वाइड और हमारी ये बालकनी कम्स विद दिस व्यू। सो दैट्स द व्यू जो हमारे अपार्टमेंट की फर्स्ट और लिविंग एरिया की बालकनी से जाता है। नाउ बालकनी से बाहर निकलते हैं और चलते हैं अपार्टमेंट के अगले सेक्शन की तरफ। हमारा किचन पैरेलल बेडरूम का रनिंग किचन मिल जाता है, 10x7 का डायमेंशन हो जाता है, सामने एक बालकनी मिल जाता है। हमारी सेकंड बड़ी सी एल शेप की यूटिलिटी बालकनी, ये बालकनी हमारी 5 फीट वाइड हो जाती है एंड कम्स विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। सो दैट्स द व्यू जो हमें यूटिलिटी बालकनी से जाता है। वहां पर आपको जूम करके दिखाते हैं तो सामने आपको रोड का व्यू मिल जाता है। ये रोड आगे हमें कोको काउंटी से कनेक्ट करता है और यहाँ पे बगल में आपको एटीएस हैबिट ट्रेल्स का व्यू मिल जाता है और यहाँ पे आपका सिक्का का प्रोजेक्ट बन रहा है और सामने आपको ओपन व्यू मिल जाता है, सामने आपको ग्रीन बेल्ट का व्यू मिल जाता है। सो ये था हमारी यूटिलिटी बालकनी से व्यू। ना वापस अंदर चलते हैं। सो अब तक हम हमारा किचन, हमारा लिविंग एरिया देख चुके हैं। अब लिविंग एरिया से आगे बढ़ेंगे तो सामने हमारे अपार्टमेंट का फर्स्ट कॉमन वॉशरूम आ जाता है। सो ये हमारा फर्स्ट कॉमन वॉशरूम हो जाता है, डायमेंशन 7x5 का हो जाता है। वॉशरूम में स्पेस अच्छा मिल जाता है। वॉशरूम के जस्ट सामने हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है। बेडरूम का डायमेंशन 10x10 का हो जाता है। सो जैसे फर्स्ट बेडरूम डायमेंशन 10x10 का हो जाता है। बेडरूम में वहाँ पे वार्डरोब स्पेस, सामने एक बालकनी मिल जाता है और ये बालकनी हमारे अपार्टमेंट की थर्ड बालकनी जाती है 5 फीट वाइड। और एक चीज और बता दूं, 2BHK में आपने इतनी बड़ी बालकनी कभी नहीं देखा होगा। ये बालकनी हमारी 5 फीट वाइड हो जाती है और 30 फीट लंबा हो जाता है। सो ये हमारी थर्ड रनिंग बालकनी जाती है। दिस बालकनी कम विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। सो दैट्स द ब्यूटीफुल क्रिस्टल क्लियर व्यू जो हमारे अपार्टमेंट की रनिंग बालकनी से जाता है। ना वापस अंदर चलते हैं। ना फर्स्ट बेडरूम से जैसे निकलेंगे यहाँ पे हमारा सेकंड और लास्ट बेडरूम में जाता है। डायमेंशन 10x11 को जाता है। तो ये हमारा लास्ट सेकंड और मास्टर बेडरूम हो जाता है। नीचे आपको वुडन टाइल्स मिल जाता है। बेडरूम में वहाँ पे वाटर स्पेस मिल जाता है, सामने एक वॉशरूम मिल जाता है। ये हमारा लास्ट और सेकंड वॉशरूम मिल जाता है। डायमेंशन 7x5 का हो जाता है। अगेन स्पेस अच्छा मिल जाता है और हमारे बेडरूम के साथ यहाँ पर अटैच एक बालकनी मिल जाता है। और ये जो बालकनी अटैच है ये हमारी वही अपार्टमेंट की बड़ी सी रनिंग बालकनी हो जाती है। हमारी थर्ड बड़ी सी वही रनिंग बालकनी जो हमारे अपार्टमेंट के सेकंड और मास्टर बेडरूम से और आगे हमारे फर्स्ट बेडरूम से कॉमन हो जाता है एंड कम्स विद दिस व्यू। सो दैट्स द ब्यूटीफुल व्यू जो अपार्टमेंट की बालकनी से देखने को मिलेगा आपको। नीचे आपको ग्रीन बेल्ट का व्यू मिल जाता है और ग्रीन बेल्ट के पीछे कोको काउंटी सोसाइटी जाती है, इसके बगल में अरिहंत की सोसाइटी आ जाती है और यहाँ पर सिक्का ग्रुप की सोसाइटी है, इसके बगल में एटीएस की सोसाइटी आ जाती है। सो ये सोसाइटी से सामने का व्यू जाता है। नीचे आपको पार्क का व्यू मिल जाता है और सामने मात्रा होम्स की दूसरी बिल्डिंग का व्यू मिल जाता है। सो ये था हमारा अपार्टमेंट। और बात करते हैं इसकी डिमांड की। सो हमने हमारे इस वीडियो में हमारे अपार्टमेंट का लोकेशन, सोसाइटी, फ्लोर कंडीशन सब कुछ देख चुके हैं। आपने इस वीडियो में देखा एक फ्लोर पे बस 4 अपार्टमेंट है और 2 लिफ्ट मिल जाता है। सोसाइटी काफी अच्छा है, काफी मेंटेन्ड है। और आज का अपार्टमेंट हमारे
रजिस्टर्ड अपार्टमेंट है तो आप आराम से लोन ले सकते हैं। और हाँ, डिमांड बताने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको या फिर आपके रिलेटिव को अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है तो भी आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉपर्टी के प्रमोशन का एडवर्टीजमेंट का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड फॉर दिस अपार्टमेंट इज जस्ट 62 लाख रुपीज, मतलब बस 62 लाख रुपए जो की नेगोशिएबल है। ये एक अर्जेंट सेल वाला अपार्टमेंट है इसलिए इतना कम प्राइस होने के बाद भी नेगोशिएबल है। सो इफ इंटरेस्टेड आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर हमें मेल भी कर सकते हैं। और मेरा नाम शौर है, मिलते हैं लोकेशन पे या फिर नए डील के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।